Hello everybody, welcome to the show Twitterwani, myself Preeti. So we'll start with the trending hashtags of the day. So the very first hashtag is hashtag DA Bahal Karo. DA Bahal Karo के अंदर ये आता है कि अभी जो है महंगाई का बहुत दौर चल रहा है, जिसके लिए कई लोगों ने ये हैशटैग चलाना स्टार्ट किया, जिसमें था कि DA Bahal Karo. DA Bahal Karo का मतलब ये होता है कि डियरनेस अलाउंस, मतलब उसमें जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होते हैं उनको कुछ छूट दी जाती है, कुछ एक अमाउंट की छूट दी जाती है, जिसके कारण उन्हें थोड़ी इस महंगाई के इस दौर में थोड़ी राहत मिलती है, जिसके कारण कई लोगों ने ट्वीट किया और लिखा DA Bahal Karo. उसके बाद हमारा दूसरा हैशटैग है हमारी प्रियंका दीदी. तो प्रियंका दीदी का यहाँ मतलब है कि प्रियंका गांधी. अभी पिछले कुछ दिनों पहले ये खबर आ रही थी कि प्रियंका गांधी ने एक साइकिल से सफर करने वाली एक लड़की को गोद लिया. हालांकि गोद लिया कहने का मतलब कि उसकी पढ़ाई लिखाई, साथ ही उसका रहना खाना वो सब देखेंगी. तो इसी को लेकर कई लोगों ने इमोशनल होकर कई ट्वीट्स किए, कई फोटोज शेयर किए उनकी, जो वो किसी गरीब लोगों से मिल रही है या जिन किसी की भी वो सहायता कर रही है, सब लोगों ने इसे शेयर किया और ये हैशटैग चलाया कि हैशटैग हमारी प्रियंका दीदी. और साथ ही लोगों ने इसमें ये भी लिखा था कि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि जो लोग भी इस महामारी के दौर में पैदल सफर कर रहे हैं उनके लिए कम से कम बस की व्यवस्था की जाए. उनके इस फैसले को देखते हुए कई लोगों ने उनके हित में ट्वीट किया था. उसके बाद तीसरा हैशटैग है वर्ल्ड ओशन डे. आज वर्ल्ड ओशन डे है, जिसके लिए कई लोगों ने अपने फोटोज, अपने विचार ऐसे ट्वीट किए, फोटोज भी शेयर किए. कई लोगों ने एक सैंड आर्ट बनाकर लोगों ने फोटोज शेयर किए वर्ल्ड ओशन डे. साथ ही लोगों ने ये भी दिखाया उसमें कि जिस हिसाब से अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का लेवल ऊपर हो रहा है, साथ ही ओशंस वगैरह में जितनी भारी मात्रा में प्लास्टिक बैग वगैरह मिल रही है, उसी को देखते हुए कई लोगों ने सेव ओशन करके भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था, जिसके बाद ये हैशटैग चला हैशटैग वर्ल्ड ओशन डे. हमारा चौथा हैशटैग है दिशा सालियान. 14 जून 2020 को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, ऐसी खबरें आ रही थी जिसमें छानबीन की गई तो पता लगा कि एक हफ्ते पहले उनकी जो एक्स मैनेजर थी दिशा सालियान, वो उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था. तो अब वो दौर वापस आ रहा है, वो जून का महीना वापस आ गया, जिसमें लोगों ने ये फिर ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया दिशा सालियान. और साथ ही कई लोगों ने ये ट्वीट किया कि उनकी केस में आगे की कार्रवाई की जाए, साथ ही वो आत्महत्या थी या फिर मर्डर था, इन सबको देखते हुए कई लोगों ने ये ट्वीट किया था. इसके बाद हमारा आखिरी हैशटैग है बेमिसाल योगी जी. इस बेमिसाल योगी जी हैशटैग के अंतर्गत ये दिखाया गया कि योगी जी की काफी सराहना की गई है, उनके कार्यकाल जो थे और साथ ही कोरोना को लेकर जितने भी गाइडलाइंस थे उत्तर प्रदेश में उसका बहुत अच्छे से पालन किया गया, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ के फेवर में कई लोगों ने ट्वीट किया, उनके कई अहम फैसले जो थे कोरोना से लेकर उन सारे ट्वीट्स को वायरल किया और उन सारे फैसलों को ट्वीट किया. तो ये थी हमारी आज के दिन भर की ट्रेंडिंग हैशटैग. हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय पर. तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वदेशवाणी. धन्यवाद. अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें. स्वदेश वाणी.